जरा सोच कर देखिए, आपने पूरी मेहनत लगाकर एक घर बनाया हो और हर साल वो घर आपकी आंखों के सामने ही पानी में खत्म हो जाए, और यही चीज हम लोग हर साल झेल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करते हैं, जबकि वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन आज तक असम के समस्या को इंडियन नहीं बना पाए हो। जब हमारे असम के चाय नेशनल हो सकते हैं, जब हमारे असम के हाइड्रो पावर नेशनल हो सकते हैं, कोयला नेशनल हो सकते हैं, तो असम के बाढ़ समस्या क्यों नहीं नेशनल हो सकते। नमस्कार, मेरा नाम सुब्रत ज्योति द्वारा है, मैं असम का निवासी हूं और ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन न्यू दिल्ली का प्रेसिडेंट। आज मैं असम का जो बाढ़ समस्या है उसके बारे में कुछ आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। 33 में से 25 डिस्ट्रिक्ट्स आर अंडर वाटर एवरी ईयर। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, जहाँ पे वन हॉर्न राइनो वर्ल्ड फेमस है, वो भी हर साल पानी के अंदर डूब जाता है, ना कि लोगों का, वो जो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स है उनकी भी बहुत बुरी हालत होती है। मैंने अपनी बचपन से लेकर आज तक ये चीज देखता आ रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा ने उनके बचपन से लेकर आज तक बाढ़ के समस्या को देखते आ रहे हैं, और मेरे दादाजी ने भी उनकी बचपन से लेकर उनके मरने तक ये चीज झेला है, और ये कहानी असम के घर घर की है। We have come to a very remote place in Assam. It's near the Kaziranga National Park in the Golaghat district. So as you can see in the camera, it's all flooded. It's a very remote place called Dikholu Pothar. We have come in some very wooden boats, so which have been parked here. So the road, main road, is quite far from here. Our cars and our all the vehicles, all the relief distribution goods that have we have transferred it to the boat. আপোনালোকে সরকার নকয় না যে আপোনালোকে রাস্তাটো ভালকে বনাই দিব লাগে? রাস্তাটো যদি আমার ওখ হয় তেতিয়া আমার বুকা পানী নহয় নহয়। এটা সেইফালে এখন জেনুৰ বা হকাই গল ৰাস্তাতে এখন দুখন গাঁও সবৰে দলং হব 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 বুলি কয় সবৰে একেটাই হৈছে। বহুত বছৰ পৰা চলি আছে, বহুত বছৰ চলি আছে। আমি এতিয়া আমি মানে ইয়াতে হেৰি ধৰা ইয়াতে জন্ম ধৰা ইয়াতে ডাঙৰ হ'লো, এতিয়া বুঢ়ী হ'লো, একেলা অৱস্থাই। असम में एक जो सबसे बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र, और उसकी जो सब्सिडरीज है, तो उसकी वजह से यही प्रॉब्लम हर साल होता है। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए असम के लोगों ने हर साल मांग किया है, क्या बीजेपी हो या क्या कांग्रेस हो, सब ने असम के इस फ्लड प्रॉब्लम को नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर करने का वादा किया है, लेकिन आज तक इसका कभी कुछ ढंग से इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है। इसे नेशनल मीडिया फोकस ढंग से आज तक नहीं मिला है। प्राइम टाइम जर्नलिस्ट हम लोग के असम से ही है, एक टॉप न्यूज चैनल के वो एडिटर भी है, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को कभी नेशनल प्लेटफॉर्म पर ढंग से रख नहीं पाया है। ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन, हम लोग एक दिल्ली बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग असम के जो स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं उनको लेकर ये ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग हर साल एक डोनेशन ड्राइव करते हैं, फ्लड डोनेशन ड्राइव करते हैं, जिसमें लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है, और इस साल भी हम लोगों ने किया था, और 3 डिस्ट्रिक्ट असम के वर्स्ट अफेक्टेड वहां जाकर हम लोगों ने फ्लड रिलीफ गुड्स हम लोगों ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। पब्लिक तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग तो एम्पेथाइज कर रहे हैं, हमारे जो नॉन एसएमएस फ्रेंड्स हैं, नॉन एसएमएस कलीग्स हैं, उन्होंने सबने कंट्रीब्यूट किया है, सबने सपोर्ट किया है। तो हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि जो उन्होंने जो मोदी गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि असम का जो प्रॉब्लम है वो इट विल बी डिक्लेयर्ड नेशनल प्रॉब्लम, तो उसको जल्द से जल्द किया जाए एंड हमारी इस समस्या के परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए।